ऑन करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने हक जानो भाई, चलो सब मतदान करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं बरेली कॉलेज बरेली के एमएड डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत पुराना विभाग है, यहाँ पर मतदान को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं के बीच में काव्य प्रतियोगिता हो रही है। क्या क्या हुआ है काव्य प्रतियोगिता के दौरान, किस तरीके की रचनाएं छात्राओं ने पढ़ी हैं, आइए चलते हैं सभागार के अंदर, देखते हैं संपूर्ण कार्यक्रम। जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने यहाँ आकर अपने विचार रखने की अपनी हिम्मत को दिखाया। बहुत सारे और हैं लेकिन बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा और आगे होना चाहिए। ये प्रोग्राम इसीलिए चलाया जा रहा है कि आप मंच आपको प्राप्त हो, आप अपनी बातें कह सकें और सुन सकें और मोटिवेट हो सकें, ताकि आप युवा पीढ़ी जो इस देश की पहचान है वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। तो इसके लिए आप खुद भी जागरूक हो सर्वप्रथम, और अपने आसपास जितना NSS वॉलंटियर्स हैं, आप स्वयं सेवक हैं, आपका कार्य यह है कि देश के प्रति अपनी सेवा को समर्पित करना और लोगों को जागरूक करना। और ये मूल जो हमारा उद्देश्य है उसको हम भूलते हैं, इसलिए NSS में इसको हमें आगे बढ़ाना है। आने वाले चुनाव में हम अपने मतदान का पूरा प्रयोग कर सकें, इसके लिए ना स्वयं को बल्कि दूसरों को भी जगाना। हम वर्षीय छात्रा एवं यूनिट 3 से आज के काव्य पाठ के विषय पर अपने कुछ स्वरचित पंक्तियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। मिला तुम्हें अधिकार जब, तो क्यों प्रयोग नहीं लाते हो? चुनाव के दिन बैठ घरों में क्यों खाली समय बिताते? फिर कैसे किसी सरकार पर उंगली उठाते हो? क्यों नहीं कर प्रयोग इसी उंगली का? तुम चुनावी बटन दबाते हो, क्या भूल गए हो तुम संसार 40 से पहले का जमाना? कितनी मुश्किल से मिली आज़ादी और मिला लोकतंत्र का जमाना। देश में लौटी थी खुशहाली और मिला खुशियों का खजाना। अगर इन खुशियों को यूं ही बनाए रखना है तो हमें चुनावी सहभागिता को सक्रिय करना है। चुनना है एक ऐसा नेता जो समझे व्यथा हमारी, देशभक्ति और जिसकी रगों में और निभाए जिम्मेदारी। आदरणीय मंच निर्णायक मंडल, सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा गौतम, मैं यूनिट 3 की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक जो है युवा एवं भावी मतदाता लोकतंत्र की पहचान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो टॉपिक है उसमें कितनी गहरी बात छुपी हुई है कि जो भावी मतदाता है लोकतंत्र की पहचान है, मतलब कि लोकतंत्र की जो पहचान है वो मतदाता है। मतदाता का जो वोट है वो कैसे हाथों में जाना चाहिए, ये सबसे पहले तो हम ही को समझना चाहिए कि अगर हम अपनी सरकार चाहते हैं कि अच्छी सरकार हो, तो उसके लिए पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हम अपने देश को किस दिशा की, कौन सी दिशा देना चाहते हैं। जैसे हम दिशा देना चाहते हैं वैसे ही हमें सोचना चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो है, जिसे हम वोट देने जा रहे हैं, वो कैसा इंसान है, उसने क्या किया है और वो क्या कर सकता है। क्योंकि जब हम उसके बारे में जानते ही नहीं है तो ऐसे हम थोड़ी ना किसी को वोट दे देंगे। वोट देने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, तो पहले उसके बारे में जानो। सिर्फ रोटी मिलना ही अधिकार नहीं पाना होता है, रोटी से भरकर भी तो बहुत कुछ होता है। तो पेट को भरने के लिए किसी को वोट मत दो, अपने अधिकारों के लिए वोट दो। भय की जमीन बहुत उपजाऊ होती है, गलती से भी खाद पानी मिल जाए तो फौरन ही वह जड़ जमा लेती है। तर्क और विज्ञान संयोगों को सिद्ध करने में अपनी जड़ें जमा चुका होता है, अर्थात यदि आपने एक बार भी युवा पीढ़ी देश की शान उज्जवल भविष्य की है पहचान। जनता को जागरूक करना है, मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। जनता को जागरूक करना है, मतदान का प्रतिशत बढ़ाना